अगर दोस्तों बाहर से मेंबर हैं, बाहर से आप यूज करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाली है। अगर गाइज अपनी है जो कि बाहर से सिक्योर सिक्योरिटी के साथ रखना चाहते हैं, जिसमें कि आपकी बिना परमिशन का कोई भी इसको है जो कि यूज ना कर सकेगा, साथ ही साथ अपना है जो कि बाहर से में 2 स्टेप वेरिफिकेशन में सिक्योरिटी पासवर्ड लगा चुके हैं और उसकी है जो कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं, या तो आप व्हाट्सएप में अपना है जो कि मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने है जो कि व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करके सेटिंग में क्लिक करना है। बाद आपको अकाउंट में क्लिक करना है। अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जो सिक्योरिटी कोड लगाए हैं वो आपको इसमें इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो इस तरीके का पेज इंटरफेस ओपन होके आएगी। बाद आपको जीमेल आईडी ऐड करने को बोला जाएगा, ऐड करना ही है तो आपको स्किप कर देना है। आप स्किप करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे के बाद जो भी आप सिक्योरिटी पासवर्ड पिन रखना चाहते हैं वो इसमें आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर से आपको दोबारा सिक्योरिटी पासवर्ड पिन है जो कि इंटर करने के लिए बोला जाएगा, फिर से आपको दोबारा इंटर कर देना है। इसी आप इंटर करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी पासवर्ड है जो कम्प्लीटेड हो जाएगी। बाद है जो कि इस तरीके का इंटरफेस आपको ओपन होके आएगी। उसके बाद आपको करना है क्या, टर्न ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे आप टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा, क्लियर और टर्न ऑफ। आपको टर्न ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे आप टर्न ऑफ पे क्लिक करते हैं तो ये है जो कि आपकी स्टेप वेरिफिकेशन से आपकी मोबाइल से हट जाएगी। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से 2 स्टेप वेरिफिकेशन हटा सकते हैं। मैं गाइस अपने फोन में व्हाट्सएप में फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चेंज में क्लिक करना है। जैसे आप चेंज में क्लिक करेंगे उसके बाद जिस भी नंबर आप रखना चाहते हैं व्हाट्सएप में वो नंबर आपको इसमें इंटर कर देना है। जो भी नंबर रखना चाहते हैं उसको मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद फिर से आपको है जो कि नीचे में फिर से दोबारा इंटर कर देना है। जैसे इंटर करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करते हैं आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगी। आपको क्या करना है, लॉगिंग इन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिंग इन में क्लिक करेंगे आपको है जो कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद एग्री एंड कंटेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटेंट में क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे फिर से है जो कि नंबर मांगा जाएगा। तो क्या करना है, जिस भी नंबर आप चेंज किए वही नंबर इसमें आपको इंटर कर देना है। तो इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे भी नंबर में इसमें न्यू इंटर किए इसे है जो कि व्हाट्सएप बन के कम्प्लीटेड हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपना है पासवर्ड सिक्योरिटी चेंज कर सकते हैं, या तो आप रिमूव कर सकते हैं, या तो अपना है जो कि व्हाट्सएप में न्यू नंबर ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप इजिली है जो कि चेंज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं, सिक्योरिटी और सेफ रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल। गाइस आपकी डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रही है तो जो टाइटल है इस पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।